भारत की सबसे ज्यादा माने जाने वाली दरगाह है अजमेर शरीफ, और यहाँ पर है भारत की सबसे बड़ी देग। जी हाँ, 5000 किलो की देग, जिसे बादशाह अकबर ने 450 साल पहले यहाँ पर दिया था, और आज भी इसी देग के अंदर यहाँ का प्रसाद बन रहा है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी देग में फादर गरीब नवाज अजमेर के अंदर यह प्रसाद कैसे बनता है। सबसे पहले इस देग को सजाया जा रहा है। आप देखिए, गुलाबों के फूलों की माला इस पे लगाई जा रही है और इसे अच्छे से सजाया जा रहा है। इसको सजाने के बाद में ये सूत संदन का लेप इस पे लगाया जा रहा है, और ये परता 450 साल पुरानी है। अब इसमें सबसे पहले मैदा डाला जा रहा है। मैदा डालने के साथ में इसमें डाली जा रही है हल्दी, और देग के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों पानी भरा हुआ है, और ये कैन के अंदर से इसके अंदर खेवड़ा जल डाला जा रहा है। अब इसमें डाला जा रहा है जर्दे का कलर, इसी से चावलों के अंदर जर्दे का रंग आएगा। अब देग की शुरुआत करी जा रही है। देखिए, अंकल जी की मन्नत पूरी हो गई थी, इसलिए इनके हाथों से ही देग को बनाने की शुरुआत हो रही है। और देखिए, पूरा का पूरा आदमी इस देग के चूल्हे के अंदर चला जाता है, इतनी बड़ी देग है। चूल्हे में आग लगाने के बाद में चावल की बोरियों पे बोरी इस देग के पास रखी जाती है। आप देख सकते हो 25-25 किलो के कम से कम 50-60 कट्टे यहाँ पे रखे गए थे, और इस बड़ी सी देग के अंदर और आग लगाई जाती है। देग में बढ़िया सा उबाल आने के साथ में ही इसके अंदर डाल दी जाती है चीनी, और देखिए 50 किलो का चीनी का कट्टा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे एक चम्मच चीनी डाली जा रही है। और देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा पलटा है, जिसे चलाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत पड़ रही है। अब देग में डालने के लिए शुद्ध देसी घी के कनस्तर को काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा 15 लीटर का देसी घी का कनस्तर है, और ये ऐसे डाला जा रहा है जैसे एक चम्मच देसी घी डाला जा रहा हो। और देसी घी के डालने के साथ में इसमें चावल इकट्ठे डाले जा रहे हैं। आप देखिए, 30 किलो के चावल के इकट्ठे हैं, जो एक एक करके पलटे जा रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे एक एक चम्मच चावल डाला जा रहा हो इस कढ़ाई के अंदर। कितनी बड़ी कढ़ाई है ये। चावल को डालने के साथ ही इसे चलाने के लिए कितना बड़ा पलटा यूज़ करा जा रहा है आप देख सकते हैं। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। 2 लोग इसे वहाँ से पकड़ रहे हैं, और 2 लोग इसे रस्सी की सहायता से हिला रहे हैं। जितनी बड़ी दोस्तों ये कढ़ाई है, उतना ही बड़ा ये पलटा है। ठंडा है गर्म है? आप देख सकते हो नीचे तो चावल पक रहे हैं, लेकिन ये कढ़ाई ऊपर से बिल्कुल ठंडी है। दोस्तों कितनी मेहनत के साथ में इसे पलटे को चलाया जा रहा है, जिससे चावल नीचे लगे नहीं, और कंटिन्यू इसे चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वैसे जाफरानी चावल ये बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। पानी की सहायता से अब देख के नीचे लगी हुई आग को बुझाया जा रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, अच्छी खुशबू और रंगत के लिए इसके अंदर एक बार और देसी घी का टीन डाला जा रहा है। आप देख सकते हो ऐसे 2 से 3 टीन इसके अंदर डल चुके हैं, बस ये फाइनल टच के लिए इसके अंदर देसी घी डाला जा रहा है। अब चावल हमारे बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर खोपड़ा डाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गोला और बहुत सारे मेवे डाले जा रहे हैं। बिल्कुल मेवों की बरसात कर दी है इन्होंने इसके ऊपर। आप देख सकते हो पूरी तरह से मेवों से ढक गया है। और अब इसमें से चावल निकालने के लिए इसमें सीढ़ी डाली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं 2-2 सीढ़ी डाली जा रही है, ताकि इसके अंदर से चावल को निकाला जा सके। अब इस देग के अंदर पूरा का पूरा इंसान उतर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी कढ़ाई है ये कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा इंसान उतर रहा है इस देग के अंदर प्रसाद को निकालने के लिए। अब इस देग में से प्रसाद को निकालने के बाद में इसे बड़े बड़े ड्रम के अंदर भर दिया जाएगा। आप देख सकते हो बाल्टी की सहायता से ये प्रसाद निकाला जा रहा है, और इस ड्रम के अंदर डाल दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु और गरीब लोग इस प्रसाद को खा सके और अपना पेट भर सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।